आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज आपको यकीन भी हो जाएगा। झांसी में रहने वाली इस लड़की के साथ प्यार में जो हुआ, उसके बाद जिंदगी में कांटे ही कांटे बिछ गए। क्या पता था कि जिसे ये लड़की सच्चा आशिक समझ रही थी, वो इसके साथ प्यार नहीं बल्कि उसका फायदा उठाना चाहता है। 6 नवंबर 2021 को फेसबुक पे दोस्ती की। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो मुझसे मिलने में यूनिवर्सल कोचिंग क्लासेस आया, जहाँ मैं कंप्यूटर सीखती थी। वहाँ उसने बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। तो मैं उसकी बातों में आ गई, उसके साथ उसके रूम पर चली गई। वहाँ उसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरी गंदी वीडियो बना ली, जिससे जब मैं होश में आई तो उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। झांसी के सीपी बाजार क्षेत्र में रहने वाली इस लड़की की दोस्ती पास के ही रहने वाले एक लड़के से 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। इस लड़की का प्रेमी झांसी के ही नवाबाद थाना क्षेत्र में किराए पर रहता था। इस लड़की का आरोप है कि एक दिन प्रेमी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। इस दौरान प्रेमी ने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद ही यह लड़की बेहोश हो गई। लड़की का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ था। बेहोश होने के बाद प्रेमी ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बना लिया। बस यहीं से शुरू होता है ब्लैक मेलिंग का खेल। इसके बाद आरोपी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर अक्सर शारीरिक संबंध बनाने लगा। आरोपी प्रेमी यही नहीं रुका, बल्कि अश्लील वीडियो अपने भाई को भी दे दिया। इसके बाद दोनों डरा धमका कर शारीरिक संबंध जबरन बनाने लगे। उसके बाद उसके भाई ने किसी तरह उसके मोबाइल से वीडियो चुरा ली, तो उसने भी मेरे पास फोन लगाया। उसने मुझे किराए के रूम पे, जो श्रीजी हॉस्पिटल के पास है, वहाँ बुलाया। उसने भी मेरे साथ डरा धमका के बलात्कार किया। इसकी घटना मैंने सौरभ पटेल को बताई, तो उसने कहा वो मेरा भाई गौरव निरंजन मेरा सगा भाई है, मैं उसको समझा दूंगा, दोबारा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसके बाद सौरभ पटेल ने दोबारा मुझे अपने किराए के रूम पर बुलाया। उसने वहाँ मेरे साथ दोबारा ज़बरदस्ती की। इस घटना ऐसा करने से मेरे पेट में गर्भपात हो गया, जिसकी खबर मैंने उसकी माँ सरोज वर्मा को दी। उन्होंने मुझे मिलने मऊरानीपुर बुलाया। उन्होंने कहा तुम अपना गर्भपात कर लो, मैं सौरभ पटेल से तुम्हारी 14 मई 2021 को शादी करा दूंगी। इस बीच लड़की गर्भवती भी हो गई। इसकी जानकारी जब प्रेमिका ने आरोपियों को दी, तो प्रेमी ने लड़की को अपनी माँ से मिलवाया। आरोपियों की माँ ने शर्त रखी कि अगर वह पेट में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करा देगी, तो उसकी शादी 14 मई को करा दी जाएगी। लड़की ने 14 मई तक के लिए इंतजार किया, लेकिन आरोपी और उसकी माँ शादी करने से मुकर गए। इस लड़की का आरोप है कि जब उसने शादी करने के लिए जोर दिया, तो उसके साथ बदसलूकी की गई और उसे घर से मार कर निकाल दिया गया। इस लड़की ने अब कानून का दरवाजा खटखटाया है। मामले की पूरी जानकारी देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और खुद को इंसाफ दिलाने की पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को देगी। जिस तरह से फेसबुक से शुरू हुआ प्यार का अंत अस्मत से हुआ, उसके बाद यह साबित हो जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए अगर आपको भी प्यार होता है, तो सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि जब यह होता है तो यह समझना नामुमकिन हो जाता है कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपसे प्यार करता है या फिर आपको धोखा दे रहा है।